धन्यवाद इकरा चौधरी, थैंक यू। धन्यवाद सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना ज़रूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अम्बाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण, यहाँ समस्या श्रेणी सर दो मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदल कर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का। धन्यवाद श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद। दौर में अच्छा गेहूं है, चना है, दुनिया का सबसे अच्छा सोयाबीन है और आलू है जिसकी चिप्स बनती है। तो केंद्र सरकार मेगा फूड पार्क बनाए, ये इंदौर की तरफ से मैं मांग करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। किसानों की उत्पन्न दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास करते आ रही है। मेरे क्षेत्र के कई किसानों को अभी भी 2022-23 सीजन के फसल का बीमा का लाभ अभी नहीं मिला है। एक गंभीर मुद्दा है जो किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तत्कालीन कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया था। समिति ने लगभग 12,000 किसानों को 2,000 किसानों से तत्काल अर्ज को समिति को दाखिल किया था और उसके बाद समिति ने इसमें जाँच पड़ताल कर लगभग 6,690 किसानों को दावा का सत्यापन किया। अपनी मांग करिए, अपनी मांग करिए, मिला है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मैं तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर बस आगे इस प्रक्रिया को तेजी से राजकुमार धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसानों के एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कर्नाटक में पिछले एक वर्ष में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण, माननीय अध्यक्ष जी। और वहीं उनके एक मंत्री ने किसानों के लिए कहा कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि 5,00,000 रुपए किसानों को मिलते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। वहीं कर्नाटक की सरकार ने 4,000 रुपए हमारी भाजपा की सरकार ने उस समय दिए थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ऐड किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उसको भी बंद कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर, एक केंद्र की सर्वदलीय कमेटी बना के सांसदों की भेजने की कृपा करें माननीय अतिथि। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। And there is a elephant menace and intrusions of elephants in the farmlands across Kanakapura, Satanuru and Bannerghatta region of my constituency. And there is a need to build a barricade along a stretch of 31 kilometers to prevent the elephant intrusion. And if a farmers dies, they get only 15 lakhs. But while the employees dies, they get 25 Ram lakhs. Shankar it should Ram be equal. Shri Askar Bhagre. Adhyaksh Mahoday, mala सभागृहामध्ये जुरावरमध्ये बोलण्याची पहिल्यांदा संधी दिली, त्याबद्दल मी आपल्याला आभार देतो। आणि त्याचबरोबर आज जागतिक आदिवासी दिन आहे, जागतिक आदिवासी दिनाच्या आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। मी ज्या मतदारसंघामधून येतो त्या मतदारसंघामध्ये कांदा हे प्रमुख पीक आहे, परंतु आज कांद्याची परिस्थिती जर बघितली तर कांद्यावरती निर्यातबंदी उठवली, परंतु निर्यात शुल्क हे 40% आणि किमान निर्यात मूल्य हे 550 US डॉलर लावल्यामुळे ज्या पद्धतीने कांद्याची निर्यात व्हायला पाहिजे, आज कांदा 56 रुपये भावाने जागतिक बाजारपेठेमध्ये जातो, दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानचा कांदा 28 रुपये दराने जातो आहे। तर माझी आपल्याला विनंती की आपल्याला जर शेतकऱ्यांना जर चांगले पैसे मिळून द्यायचे असतील तर कांद्याचं निर्यात शुल्क माफ करावं आणि कांद्याची खरेदी ही नाफेडने शेतकऱ्यांकडून आणि मार्केट। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।